उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। संविदा कर्मियों को अभी नियमित करने से शासन ने किया इनकार। सरकार बीच का रास्ता निकालने पर कर रही है विचार। अंधेशक न्यूज देख रहे हैं आप, पूरा समाचार क्या है विस्तार पूर्वक बताता हूँ। शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों, चलते हैं आज की इस खास खबर की। साथियों, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज़। शुरू करने से पहले ये लाइंस आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊँ, कुछ को आप जगा दो। हमारे चैनल का हमेशा यही मोटर रहता है कि हम जागरूक करें सभी को और अपने हक अधिकार के प्रति सजग रहें। साथियों, समाचार उत्तर प्रदेश सरकार से आ रहा है, पूरा विस्तार पूर्वक हम आपको बताना चाहेंगे। एक थोड़ा सा झटका कह सकते हैं, 20 नवंबर का प्राइमरी का मास्टर का ये समाचार है। इसमें बताया गया है संविदा कर्मियों को अभी नियमित करने से शासन ने किया इनकार। अन्य इन मुद्दों पर भी हुई बात। लखनऊ प्रदेश के संविदा कर्मियों को फिलहाल मायूसी हाथ लगी है। शासन ने संविदा कर्मियों को नियमित करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है। हालांकि सातवें वेतन समिति संस्तुतियों पर लंबित निर्णय कराने, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते का भुगतान व सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन ACP निर्धारण संबंधित शासनादेश की संगतियां दूर करने की मांग पर विचार के निर्देश दिए गए हैं। साथियों, दरअसल आपको बताना चाहेंगे, बीते दोनों मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद JN तिवारी, SP तिवारी व संजीव पांडे गुट के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हुई थी। बैठक में हुई निर्णय व उस पर कार्रवाई संबंधित कार्यवृत्त जारी कर दिया गया है। कर्मचारी नेताओं ने सभी विभागों के संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की थी, लेकिन शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये समाचार आ रहा है अमर उजाला से, ये प्रिंट मीडिया की तरफ से छापा गया समाचार लखनऊ से। प्रदेश के संविदा कर्मियों को फिलहाल मायूसी हाथ आई है। शासन ने संविदा कर्मियों को नियमित करने संबंधी किसी प्रस्ताव से इनकार किया है। हालांकि सातवें वेतन समिति की संस्तुतियों पर लंबित निर्णय कराने, जुलाई 2021 के महंगाई भत्ते का भुगतान व सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन ACP निर्धारण संबंधी शासनादेश की विसंगति दूर करने की मांग पर विचार के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद JN तिवारी, SP तिवारी व संजीव पांडे गुट के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा हुई थी। बैठक में हुई निर्णय पर उस पर कार्रवाई संबंधी कार्यवृत्त निर्धारित थे। यहाँ पर ये आप लगातार देख रहे हैं, कई सोर्सों से इस न्यूज़ को लिया गया है और हर तरफ यही समाचार आज का ब्रेकिंग न्यूज़ बना हुआ है। प्रदेश के संविदा कर्मियों को फिलहाल मायूसी हाथ लगी और शासन ने संविदा कर्मियों को नियमित करने संबंधी किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है। साथियों, लेकिन सातवें समिति की संस्तुतियों पर जो वेतन सातवीं वेतन समिति है, लंबित निर्णय कराने, जुलाई 21 से महंगाई भत्ते का भुगतान निश्चित करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथियों, ये थोड़ा सा कुछ लाभ इसमें हो सकता है। यहाँ पर मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा अन्वेषक भाई बहन और शिक्षा मित्र भाई बहनों को या अन्य सभी जो संविदा कर्मी प्रदेश के हैं उनके लिए, कि थोड़ा धैर्य रखें, विश्वास रखें, रास्ता कुछ ना कुछ ज़रूर निकालेगी सरकार और हमारी माँओं को पूरा ज़रूर करेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अभी आचार संहिता लगने में काफ़ी समय है। जैसे किसानों का बिल माफ किया प्रधानमंत्री जी ने, कुछ ना कुछ संविदा कर्मियों के लिए भी जल्द माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी कुछ ना कुछ रास्ता सही उचित जो भी यथोचित होगा वो निकालेंगे। तब तक हम सबको धैर्य रखना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर कुछ SCN न्यूज़ की हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ। नौकरी कर रहे हैं, वेतन नहीं दिया जा रहा, उनको आश्वासन दे दिया गया, उनको उन मुद्दों पर उनका 20-25 घंटे
लेवल में हम उन पर कंसर्न फेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल पर हम कंसर्न करेंगे। अभी हमने सारे लोगों की बात सुनी और ये देखकर भारतीय हरिश्चंद्र की याद आती है। उन्होंने एक अमेरिका कहानी थी या नाटक था अंधेर नगरी, और आगे भी कुछ था उसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता हूँ, सभी लोग समझ रहे पढ़े लिखे हैं, तो वो माहौल है। और मैं जब देखता हूँ कि मतलब 100 रुपए कमाने वाला 200 रुपए खर्च करके सिर्फ इस आशा में जा रहा कि शायद आगे पीछे हम रेगुलर हो जाएंगे, और नौकरी आजकल के जमाने में एक बड़ी नियामत है, जिसको मिल जाती है सोचता कि भाई जाए नहीं, हो सकता आगे हमारा कुछ भला हो जाए। और एक हम आपको बता दें, शायद थे कानपुर में, तो कहते जीवन में उम्मीद बहुत बड़ी चीज है और इसी उम्मीद पर पूरा जीवन कटता है। कुछ लोग उम्मीद में सफल भी हो तो कुछ नहीं होते। उन्होंने जो शेर लिखा उसकी दो लाइनें याद आ रही हैं कि उम्मीद की मध्यम सी लव हो भी तो प्यारी है, और ये एक किरण तन्हा जुल्मात पे भारी है। तो एक मध्यम सी जो लव इन लोगों सबको दिखाई दे और हमको भी दिखाई दे कि इन लोगों का कुछ भला हो जाएगा। और जैसे जेवा जी ने कहा, चांद आते हैं और लोग भी आए, अच्छी बात है कि लोग खुद कहते कि भाई आप जो सत्ता करने तैयार नहीं थी, अब वो इस चक्कर में कि हम क्या कह करके कैसे इनको मना ले, अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे ये जाने, क्योंकि दूध का जला छाछ भी खूब खूब पीता है। तो अगर वैसे ही कोई आश्वासन देना चाहते तो ये मानेंगे नहीं मानेंगे ये जाने, हमें नहीं मालूम देवेंद्र जाने और वो देवेंद्र जाने और विक्रम सिंह जाने और ये दोनों जो प्राची है क्या प्राची है, ये लोग जाने के मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन हमारा काम है कि आपको वार्ता की टेबल तक ले जाए। और वो काम हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। और आप अगर 100 रुपए 200 रुपए खर्च करके कोई न कोई कष्ट झेल रहे हैं, जंगल से गुजर रहे हैं, तो हम भी नित्य जंगल से गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सरकार को पसंद नहीं आता कि हम उसका काला चिट्ठा सामने रखें, वो भी ऐसे माहौल में जब खुद विक्रम सिंह बताते हैं कि इनके मुद्दे को कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाहता।